और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा, कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ Y20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जोजिला और उससे सटे कई स्थानों पर हिमस्खलन की घटना हुई, जिसके बाद सेना ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई। बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा किट से लैस है। राहत और बचाव कार्य के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। कुलगाम जिले के विभिन्न इलाकों में हुई बर्फबारी से फलों के बागों के अलावा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हाजीपुरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण खानाबदोश परिवारों और उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। डाक बंगला राजौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त राजौरी राजीव खजूरिया थे। ADC ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हमने शपथ ली है कि हम सब मिलकर इन सभी बीमारियों से लड़ेंगे और लोगों के सहयोग से हम राजौरी को नशा मुक्त करेंगे। चेयरमैन ताशी गैलसन ने 7 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने SNM अस्पताल लेह से बुनियादी और आधुनिक लाइफ सपोर्ट से लैस 7 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 2 एम्बुलेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेह के कार्यालय में आपातकालीन उपयोग के लिए जिला बजट के तहत खरीदा गया है। जम्मू नगर निगम ने एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इसे 1 महीने के भीतर जम्मू को पॉलिथिन मुक्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये ऐप मुफ्त में उपलब्ध होगा और पंजीकरण कराने वालों के लिए गो ग्रीन जम्मू स्लोगन पर चलने का संकल्प लेना होगा। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान होगा, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार G20 सदस्य राज्यों, अतिथि राष्ट्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। पर्यटन स्थलों गुलमर्ग, कंगडूरी और अफरवट में बर्फबारी। गुलमर्ग में गंडोला सेवाएं रही ठप। खराब मौसम ने भी बढ़ाई ठंड। सब डिवीजन संकू और ताईसुरू में कल से लगातार हो रही है बर्फबारी। 3 इंच से 6 इंच तक हुई बर्फबारी। कारगिल जंस्कार रोड अस्थायी रूप से बंद। अवैध शराब तैयार करने का मामला, बिश्नाह पुलिस ने महिला सहित एक युवक को लिया हिरासत में। 400 लीटर लहान और शराब बनाने का सामान भी जब्त। भारत और पाकिस्तान के 2 सीमावर्ती गांवों की कहानी, एक विकास का प्रतीक तो एक विकास से वंचित। POK गिलगित बल्तिस्तान का सीमावर्ती गांव फरानू विकास से वंचित, जबकि लद्दाख का सीमावर्ती गांव थांग विकास और रोजगार से मालामाल। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गूल में मासिक बैठक का आयोजन किया। पार्टी महासचिव हाजी इम्तियाज शान की अध्यक्षता में शहबाज मिर्जा और मौलवी मोहम्मद शफी सहित गूल के कई प्रमुख व्यक्ति पार्टी में शामिल हुए। जिला सांबा के समला पंचायत के गांव पंगवाल में गरीब परिवार का आशियाना जलकर हुआ खाक। इसमें एक 18 साल की बेटी मधु देवी जलने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाला गया और जिला सांबा अस्पताल पहुंचाया गया। कमरिया मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट ने गांदरबल में हज 2023 के आजमीन हज के लिए ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष अलहाज शेख गुलाम रसूल ने की। जिला गांदरबल के विभिन्न स्थानों से आजमीन हज ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आरएसपुरा की कोटली गालाबानी पंचायत में सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से पंचायत की समस्याओं को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष रखा गया। बिश्ना में शराब की दुकान
खुलने पर सातवें दिन भी बिश्ना के कदारेचक के लोगों ने दुकान के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों और सरपंच का कहना है कि लोगों की मांग है कि इलाके में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, पर प्रशासन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुंछ जिले में पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों और फलों को हुए नुकसान से जिला पुंछ के किसान बुरी तरह परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने फसलों को तबाह कर दिया है। वहीं सब्जियों और अब खुबानी सेब आदि फसल भी बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन अनंतनाग की मदद से अंडमान और निकोबार के 8 पर्यटकों सहित 10 लोगों को बचाया गया। ये सभी व्यक्ति अंधेरे में रास्ता भटक जाने के कारण जवाहर सुरंग के ऊपर बी टॉप पर पहुंच गए थे, जहां वो भारी बर्फबारी के कारण फंस गए थे। अनंतनाग के कारीगाम काजीगुंड नाले में बाढ़ जैसे हालात के कारण भेड़ों का एक झुंड बीच नदी में फंस गया। सूचना मिलते ही एसएचओ काजीगुंड और नगर पालिका काजीगुंड के अधिकारियों की एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद करीब 250 भेड़ बकरियों को डूबने से बचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के सिलसिले में पुलवामा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा रेड क्रॉस के महत्व पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया। उधमपुर जिले की रीति पंचायत में एक लाइब्रेरी शुरू की गई। लाइब्रेरी की शुरुआत भारतीय सेना ने ऑपरेशन लाइब्रेरी के तहत की। उधमपुर जिले की रामनगर तहसील की 3 पंचायतों के पुरुष, महिलाएं और छात्र पुस्तकालय से लाभान्वित होंगे। अनंतनाग के हसनपुरा इलाके में एक स्थानीय युवक का शव रहस्यमय परिस्थितियों के पास के खेतों से बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान अब्दुल रशीद गनाई के पुत्र अमीर गनाई के तौर पर की गई। अनंतनाग के हंगलगुंड क्षेत्र में प्रसिद्ध सूफी कवि स्वामी मिर्जा काक महाराज की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया। इस मौके पर विशेष पूजा पाठ एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा बसंतर में बने पुराने पुल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। पुल के दोनों ओर बनी रेलिंग टूटती जा रही है और यहां सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। लगातार बारिश के बाद पुलवामा में बागवानी विभाग ने सेब और अन्य फलों को पपड़ी जैसी बीमारी से बचाने के लिए फल उत्पादकों के लिए एडवाइस जारी की है। गौरतलब हो कि पुलवामा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद उद्यान विभाग ने फल उत्पादकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कुपवाड़ा जिले में लगातार हो रहे मौसम के बदलाव से किसान परेशान हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। ओलावृष्टि से धान की पनेरी, सब्जी सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर के छताबल में लगी आग में मस्जिद की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। JKANC अध्यक्ष खालिदा शाह की PC जनता से PAGD का समर्थन करने की अपील की। कहा, सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हिमाचल के 5 स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी 5 छात्र दिल्ली के हिमाचल सदन पहुंचे। इस दौरान CM ने छात्रों से मुलाकात की। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है।
नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा। शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। सुखराम चौधरी ने कहा, बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि चुनाव में भारी अनियमितता हुई, निगम चुनाव को लेकर कई नियम बदले गए। बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सुक्खू सरकार में सीपीएस बनाए गए नेताओं की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी ने सीपीएस की नियुक्ति के साथ मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। बीजेपी नेता राकेश जामवाल ने कर्नाटक चुनाव में सीएम सुक्खू के बयान पर सवाल उठाए हैं। वहां चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने ये कहा था कि हिमाचल में 97% हिंदू हैं, फिर भी विधानसभा और शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। शिमला में सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के एक पोस्टर में बड़ी गलती हो गई है। पोस्टर ओपीएस लागू करने के लिए सीएम सुक्खू का धन्यवाद करते हुए लगाया गया था, जिसमें लिखा था, ओपीएस बहाली के लिए हिमाचल सरकार का कोटि कोटि आभार, और उसके नीचे नरेश चौहान की फोटो लगी थी, मगर नरेश चौहान की फोटो के नीचे नाम लिखा मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम का। मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में अधिकारियों के साथ खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिया गया कि बेतहाशा खनन नहीं होना चाहिए और जहां भी खनन किया जा रहा है वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूर किया जाए। हिमाचल के पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली में तेज बर्फबारी, जिसे देखते देखते कई इलाके पूरी तरह सफेद चादर से बिछ गए। मई महीने में ऐसी बर्फबारी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन इस बार तो अप्रैल और मई में भी जनवरी फरवरी जैसा फील हो रहा है। लाहौल घाटी में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहाँ भी कुछ देर की बर्फबारी में सब कुछ बर्फ से ढक गया, पूरा इलाका सफेद दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से तापमान फिर से काफी नीचे चला गया और घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पालमपुर के बनूड़ी में NH-154 पर एक बड़ा सा गड्ढा बीते कई दिनों से बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है। गड्ढे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग जा रहा है। गड्ढा पूरे एक लेन की सड़क के बराबर है। नूरपुर के एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। देह व्यापार का धंधा आरडी होटल में चल रहा था। ये होटल दमटाल थाने के भदूरिया इलाके में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां जब छापेमारी की तो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले एक युवक को कॉलगर्ल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। हिमाचल के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी साइबर अपराधियों का शिकार बन गए। पूर्व डीजीपी को झांसे में लेकर अपराधियों ने उनके अकाउंट से 79,900 रुपए उड़ा डाले। उनके साथ हुई घटना बेहद हैरानकुन। एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान शिकायत लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में बिठाकर तुरंत मामले का निपटारा करने निकल पड़े। एसडीएम के फौरन एक्शन की लोग कर रहे हैं तारीफ। नाहन के चौगान मैदान में स्वर्ण महासम्मेलन में 1,00,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती पर यह सम्मेलन देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आयोजित किया है। सम्मेलन के लिए चौगान मैदान में भव्य पंडाल लगाया गया है। सम्मेलन के जरिए स्वर्ण जातियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड रेडक्रॉस डे पर सोलन में जागरूकता रैली निकाली गई। माल रोड से निकाली गई रैली को मंत्री धनीराम शांडिल ने हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रैली के जरिए लोगों को रेडक्रॉस के काम के बारे में बताया गया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे गए। हमीरपुर में वर्ल्ड रेडक्रॉस डे के मौके पर ड्रग फ्री हिमाचल थीम को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ड्रग फ्री हिमाचल बनाने के लिए स्कूली छात्रों ने रैली निकाली। सोलन में नशे पर लगाम और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी सोलन योगेश रोल्टा का कहना है कि पुलिस प्रशासन नशे पर लगाम लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रहा है। निरंतर शहर के कॉलेजों स्कूलों के आसपास निरीक्षण किया जा रहा है।
सोलन के एलआर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम सोलन कविता ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। वहीं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश मंत्र बतौर अतिथि शामिल हुए और करीबन 60 यूनिट रक्तदान किया। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर वन डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहां ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी, देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। अब ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकाबी अफराद को पोर्टर के तौर पर कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। फिल्म द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन, बबता सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री एक अभिनेता के साथ फिल्म के प्रमोटर भी बन गए हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग। गृहमंत्री अमित शाह का बयान असंवैधानिक था, 4% मुस्लिम आरक्षण। डीके शिवकुमार का पलटवार, कहा आरक्षण और संविधान के बारे में अमित शाह से सीखने की नहीं है जरूरत। चुनाव आयोग का कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश, सोनिया गांधी के बयान वाले ट्वीट को करें सही। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से सोनिया गांधी की थी शिकायत। कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द इस्तेमाल करने का था मामला। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की मुलाकात, की एक शिष्टाचार भेंट थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर में भड़की हिंसा पर केंद्र और मणिपुर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में कुछ होता है तो वो सैकड़ों सेंट्रल टीम हमें बदनाम करने के लिए भेज देते हैं। सीएम ने पूछा है कि सरकार मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की स्पष्ट संख्या क्यों नहीं बता रही। 2024 को लेकर विपक्षी एकता में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज उड़ीसा और 11 मई को मुंबई जाएंगे। आज नीतीश कुमार की उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से और 11 को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात होगी। सीएम की यात्रा पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीआरएस सरकार पर कई हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा बीआरएस सरकार ने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। कर्नाटक में नहीं चलेगा गुजरात फॉर्मूला, इस बार कर्नाटक में कांग्रेस बनाएगी सरकार। एसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रऊफ मोहम्मद आसिफ ने कही ये बात। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत करेंगे स्वागत। माउंट आबू में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। उदयपुर में जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख की रिश्वत के साथ यूडीएच के दलाल को किया टैप। लैंड कन्वर्जन की एनओसी जारी करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत।
पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारी। जालौर में राजेंद्र राठौड़ ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम के दौरे को सफल बनाने को लेकर दिया टारगेट। नौ सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत पंचायत समिति सदस्यों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को होने वाली साधारण सभा की विशेष बैठक से पंचायत समिति सदस्यों ने दूरी बनाई और बैठक का बहिष्कार किया। पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदेश की 362 पंचायत समितियों 352 पंचायत समितियों में बैठक का बहिष्कार किया। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट को 15 साल पूरे होने पर 13 मई को बीजेपी द्वारा जयपुर के सभी 250 वार्ड्स पर धरना दिया जाएगा। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मिस कॉल के जरिए अभियान से लोगों को जुड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि गहलोत सरकार की लचर पैरवी के कारण सभी दोषी बरी हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 के बजट घोषणा में महिलाओं को कई सौगातें दी थी, जिनमें से एक प्रदेश की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स खोलने की भी है। लेकिन आलम यह है कि प्रदेश सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि आखिर कौन सा विभाग हॉस्टल बनवाएगा। उदयपुर में यूपी की तरह अपराधियों की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरे एक्शन में। यहां पुलिस ने अपराधियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। हिरण मगरी थाना पुलिस पहुंची जहां एक हिस्ट्री शीटर किरण मेनेरिया की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। किरण मेनेरिया पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज। चेन्नई में मिली गुड्डू की लोकेशन। शूटर साबिर की तलाश में कौशाम्बी में छापेमारी। न्यूज 18 की मुहिम रंग। मणिपुर में फंसे एमपी के छात्रों को वापस लाने के कवायद तेज। सीएम ने फोन पर स्टूडेंट्स का जाना हाल। भोपाल से दिल्ली तक व्यवस्था फुल। स्पेशल प्लेन से कल लाया जाएगा गुवाहाटी। देवास में धर्मांतरण का खेल। पैसे का लालच देकर भोले भाले आदिवासियों का धर्म बदलने की कोशिश। लोगों ने वीडियो किया वायरल। 3 आरोपी गिरफ्तार। सतना में गैंगरेप के आरोपियों पर बुलडोजर का प्रहार। मकान जबीदोज उज्जैन में भी चला हथौड़ा। एमपी नर्सिंग एग्जाम मामले में निजी कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। परीक्षा पर लगी रोक हटाने से किया इनकार। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। न्यूज 18 से बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने पर उनका निराकरण किया जाएगा। जबलपुर सांसद राकेश सिंह सैकड़ों महिलाओं को लेकर द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस दौरान सांसद राकेश ने दूसरे राज्यों से अपील भी की कि जैसे मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, वहां भी टैक्स फ्री किया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में बढ़ रही है हताशा। आरोप को बताया मनगढ़ंत। ईडी पर भी बोला हमला। बीजेपी ने किया पलटवार। अंबिकापुर में कांग्रेस की अहम बैठक। सरगुजा संभाग के सभी 11 विधायक रहे मौजूद। 14 सीटों पर जीतने के लिए बनी रणनीति। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। कहा हिंदुओं के साथ अच्छे से रह रहे भारत के मुसलमान परेशानी। बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या से सरकार इस पर दे ध्यान। राजधानी रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। बेरोजगारी भत्ते को लेकर किया रोजगार कार्यालय का घेराव। सरकार पर लगाया युवाओं को छलने का आरोप। नियमों में बदलाव करने की मांग। धमतरी गांव में 110 गांव के 1200 ग्रामीणों का हल्ला बोल। लोगों की समस्याओं को न सुनने पर अधिकारियों को दी चेतावनी। सिहावा क्षेत्र में घुसने नहीं देने की दी चेतावनी। रांची के रातों में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। 4 में से 1 आरोपी गिरफ्तार।
रामगढ़ में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से मारपीट के बाद कामकाज ठप, श्रीवास्तव गिरोह ने कंपनी से मांगी लेवी। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में मां और बेटे की संदेह मौत से सनसनी, सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाश रही अरगोड़ा पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से किया इनकार, अब 25 सितंबर को होगी याचिका पर सुनवाई। बोकारो में एक एकड़ जमीन पर पश्चिम बंगाल के दावे से गहराया सीमा विवाद, बीजेपी और जेएमएम के बीच शुरू हुई तीखी जुबानी जंग। कोडरमा के नवादा जंगल में अचानक आग लगने से कोहराम, देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी, हरे भरे पेड़ और झाड़ियां आग में जलकर खाक। साहबगंज के बाद रांची में बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना पर फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा, लोगों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने इसके पीछे कोर्ट में लाखों केसों के पेंडिंग होने की वजह बताई है। गढ़वा में अवैध शराब बनाने से मना करने पर शराब माफिया ने विनीत सिंह और अनूप सिंह नामक दो युवकों की धुनाई कर दी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने भी शराब कारोबारियों की पिटाई कर दी। रांची के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पीएलएफआई उग्रवादी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 बोर का देसी राइफल, कारतूस, पिट्ठू बैग सहित पर्चा बरामद किया गया। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।